इन्हें साइड हो जा भाई, अरे हो जा हो जा। साढ़े छह बज रहा था, क्यों छुप गए थे? ये ऑफ रोडिंग करने आ चुके हैं हम लद्दाख साइड कॉलेज ऐसी। मोबाइल दे दो भाई। किससे डर गए थे? ज्यादा ट्रैफिक ना हो रो, बादल हटा तो। अरे रुको जा, मैं कूद के जाऊं क्या? एडी आ चुके हैं, अभी बाइक चलाने में मजा आता है बच्चे रोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी हम घर से निकल चुके हैं 5:30 बजे करीबन। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं केडी, बोलो तो, कलियासोत डैम। हम बहुत बार वहाँ का लोग शूट किए, पर क्या करें, वो जगह इतनी अच्छी है ना कि बीच बीच में जाने का मन हो ही जाता है। तो अभी हम 2-4 महीने के बाद जा रहे कम से कम। सबसे पहले गाड़ी साइड लेते हैं, लोटस चलना है, पवन भाई को लेना है, उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि ये रास्ता जाने का नहीं है, वापस हमें रिटर्न आना पड़ेगा यहाँ, तो वापस से आ जाएंगे। अभी सबसे पहले चलते हैं, पवन भाई को लेते हैं। बस ये कार वाले का भाई रोड अच्छे से क्रॉस हो जाते हैं। मैंने पवन को बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, उसको बस ये बोला था कि चलना है। अभी डायरेक्ट उसके वहाँ झोपे पहुँचते और कॉल लगाते, भाई बाहर आ जाओ, हम आ चुके हैं, थोड़ी दूर है, सामने आप लोगों ने देखा ही है लोटस, यार क्या बताना बार बार आपको। चलते पहले पवन के पास, पवन को लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट निकलते केडी, और केडी में ही शूट करेंगे ज्यादातर, और मजा आता है भाई वहाँ जाने में। पर मेरे को एक चीज और देखना है, जो वहाँ बीच में नदी थी ना जहाँ से रास्ता था, वहाँ का पानी सूखा कि नहीं सूखा वो देखना है। अगर सूख गया होगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो आर्मी वाले भैया की कार आ गई है, ये कहाँ कहाँ से कार लगा देते भाई। एक तो साला इधर जब से शोरूम हो गया तो ट्रैफिक और ज्यादा लगने लगा है। अंकल अंकल कैमरे की तरफ देख रहे। चलो ब्रेकर ब्रेकर, इधर तो रोड टूट गई है वाला, यहाँ मतलब ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा मेरे को, ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा मेरी। अबे रोड टूट गई मतलब चौड़ी हो रही क्या? पता नहीं यार क्या हो रहा है रोड का, टूट तो चुकी है अब चौड़ी हो रही है, क्या हो रही है तो हमको पता नहीं साला। हेलो लौटस पहुंच के पवन भाई को फोन लगाते हैं। आ चुका है हमारा लड़का, अब इसको लेके चलते हैं। चलो आज टी शर्ट पहनेंगे, आज पर पैंट वेन क्या है, क्या बात है, चलो चलते हैं। बैठो टिकाओ भाई, गाड़ी में टिकाओ और निकलते हैं। निकल चुके हैं, अभी हम थोड़ा सा रुक गए थे क्योंकि इसका एक फ्रेंड आया था, उसको कुछ काम था इससे, तो उसके लिए रुक गए थे और वहाँ रुके, और हमारा कैमरा बंद था, पर वहाँ एक चीज हो गई, एक लड़की फोन पे बात करते करते जा रही थी और भाई कार के सामने आ गए, और गलती किसकी दे रही होगी तुम सोच लो, कार वाले के भैया देख के नहीं चला सकते, कार वाला बेचारा एकदम सीधे धीरे धीरे निकाल रहा है, वो वहीं आके रुक गई, और भैया भैया धीरे आराम से नहीं चला सकते, कार वाला भी सोच रहा है किससे भिड़ा, क्योंकि लड़की थी तो वो भी कुछ नहीं बोला, वो सीधे बेचारा चला गया, सही बात ही था, और हम सीधे सीधे देख रहे भाई, तभी चलते हैं हम, ऐसा कांड ना हो। और भाई शाम टाइम ऐसा लग रहा है कि सूरज देवता तो चलेगी है बिल्कुल, अब दिख नहीं रहे क्योंकि कोई ना जान दो सूरज देवता को। ये रोड पे आ चुके हैं केड़ी वाली, जो सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता है, ये कहाँ चाहते हैं? अरे अरे आंटी लोग तो गाड़ी हर कहीं चलाती है भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ, ये देखो हमारी गाड़ी कहीं से भी चढ़ जाती है। ये अच्छा हुआ है कि अब ये रोड पूरी बन गई, जब मैं अभी कुछ महीने पहले आया था तो ये एक साइड की बनी थी, एक साइड की बन रही थी, पर अब आया हूँ तो पूरी रोड बन चुकी है प्रॉपर, एकदम सीधे सीधे, तो एकदम यही रोड से जाएंगे सीधे सीधे, समझ रहे हो ना, अब मजा आ रहा चलाने में। सब जगह की रोड बन गई, हमारी तो सफारी की भी रोड बन गई है, इधर की भी रोड बन गई है, तो क्या गाड़ी दौड़ाने में मजा आएगा। मेन क्या बारिश में दिक्कत नहीं होगी कहीं आने जाने की, यहाँ से सबसे ज्यादा बारिश में दिक्कत होती थी। मैं यहाँ था ना एक बार साइकिल लेके इस जगह पे, भाई ऐसा कीचड़ था ना, खटखट गाड़ी कूद रही थी, और रोड भी अच्छी खासी चौड़ी रोड बनी है भाई, तो मतलब अच्छा है। अभी हमारा कैमरा बंद हो चुका था क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, जिसके कारण हीट हो गया और बंद हो गया, तो फिर अभी गाड़ी रुके, बैटरी निकाले, बैटरी वापस से लगाया, तब चला है, फिर आएगा रास्ता तय कर रहे। हमने कुछ शूट करने के देखा था उधर, पर कैमरा चालू नहीं हो रहा, फिर नहीं किया, तभी आगे चलते हैं। ये रास्ता भी सीधे है, इसमें ज्यादा कुछ दिखाने के लिए दिखाएंगे जा केड़ी भाई रास्ते पे, तो क्योंकि वही हरियाली वही अच्छा है, वो जहाँ हरियाली होती अच्छा होता, मजा आता है भाई। हमने भी जो जंगल वाला व्यू है ना, बहुत प्यार लगता है, ऐसा व्यू है जैसे हमको लगता है कि हम अपने रीवा पहुंच चुके, हमारा घर पहाड़ पे है, हमें पता है कि ऐसा व्यू देख के बहुत मजा आता है। हरियाली जब से भोपाल में रह लगे तो ऐसा व्यू मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है, जैसे बाहर आए यहाँ यहाँ साइड आए तब देखने को मिलता है, बाकी तो भाई उधर साइड नहीं मिलता, सारे पेड़ पौधे कट के सारी कॉलोनियां बन चुकी है, बस हमें इधर बाहर ही आने दिखता है, बाकी फिर रीवा जाएंगे तब दिखता है हमें। अभी हम यहाँ से ऐसी गाड़ी लेंगे अंदर, फिर उधर जाएंगे, क्योंकि उधर से ज्यादा एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस रहता है भाई, हल्का सा क्या है, यहाँ से वहां से घुमाना तो आया बस, तो यहाँ से घुमा लेते हैं, क्योंकि रिक्शा नहीं लेना मेरे को, जिंदगी में सब कुछ करना है पर रिस्क लेना है, पर ऐसी चीजों से नहीं लेना है कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाए भाई। और अभी लगता है फिर से पानी गिरेगा, क्योंकि जब जब घर से निकलता हूँ और पानी का मौसम हो जाता है और पानी गिरने लगता है, पता नहीं पानी क्या चाहता है, हमारा साथ लिया है कि हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहता। हो भाई शाह कार वाले भैया, बस उड़ान अदे कहूँ ना आके भाई,
ये चूनाभट्टी चौराहा आ चुके हैं, यहाँ लगता है कि ट्रैफिक लगा हुआ है, पर कोई ना, अभी हमें छुप के निकलना है। पवन भाई ने बोला छुप के निकलना। छुप के क्यों निकलना है? क्योंकि पवन का बॉस ना देख ले पवन को। चलो यहाँ ही लगा लेते हैं। कहाँ लगाएं भाई साहब, इधर ही लगा लेते हैं। 60 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड। चलो भैया, चलो भाई हम निकल लेते हैं। ये वाला रोड सीधे है, जो सीधे जाता है केड़ी, देख रहे हो पुलिस खड़ी है, पर हेलमेट पहने तो हमको डर नहीं है, नहीं तो अगर हेलमेट नहीं पहना भी हमारी फटती यार, निकालू कि नहीं। इधर कितना लंबा ट्रैफिक लग गया यार। अच्छा हाँ, उधर लगा इधर तो लगेगा ही ना फिर तो, क्योंकि ये रास्ता बंद है, रास्ता बंद। और ये जो रोड का व्यू है ना भाई, इधर का आगे का चुम्मेश्वर, एकदम चुम्मेश्वर चीज है। तो अभी चलते हैं, यहाँ आके भाई सुकून आता है कि हाँ मस्त ठंडी ठंडी हवा लगे। यहाँ गर्म हवा नहीं, यहाँ ठंडी हवा चलेगी फुल। आ चुके हैं अब यहाँ से, जो रोडों का व्यू आप लोगों को दिखेगा ना भाई, एक नंबर व्यू दिखेगा और मजा आता है। इन्हीं व्यू के लिए मैं बस केड़ी आता हूँ बाइक चलाने के, बाइक चलाने में मजा आता है ऐसे व्यू पे। हमारी छोटी बाइक है तो क्या हुआ, सस्ती है तो क्या हुआ, पर मजा आता है। हम साइकिल से भी यहाँ आ चुके हैं, सबसे बाइक साइकिल। अब एक बार थोड़ा सा स्पोर्ट बाइक से आना चाहता हूँ, साइकिल से आते यहाँ ठुकते ठुकते बचा था एक बार, बस एक बार स्पोर्ट बाइक से आना चाहता हूँ, बाकी तो सारा सपना पूरा हो जाएगा। फिर कार और से नहीं आना, बस बाइक से ही आना जहाँ जाना है। और यहाँ से भाई कार भी बहुत तेजी में आती है, इसलिए बैठे रिक्शा नहीं लेने का, आराम से चलाने का। पर ये पानी कहाँ से आता है भाई, पानी किधर से आता है भाई साहब। अभी हम ये चढ़ रहे ऊपर, जो रास्ते पे आ रहे हैं इन्हें साइड हो जा भाई। अरे हो जा हट 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 हट। ये भाई बच्चे हैं, रोड पे ना आ जाएं, और रोड पे किसी कार के नीचे पापड़ बन जाएंगे। साहू रोड पे आएंगे किसी कार के नीचे पापड़ बन जाएंगे। वो लड़की देख भी नहीं रही थी आगे। चल बैठ। ये देख फिर आया भाई साहब, आराम से चलने का, आराम से जाने का, धक्का मुक्की नहीं करने का। देखे मुझे देख के सब बोलते वो ब्लॉगर। चलो भैया यहाँ से चलते ऊपर, ऐसी गाड़ी लेके ब्लॉगर बनने आया हूँ मैं, देख रहे हो। गाड़ी मेरी चढ़ के नहीं रही है, कमजोर हो गई क्या कि पावर नहीं है। ये भैया कार वाले से बच के यहाँ लहरा के गाड़ी निकाल, लेटा के साहब लेटा के निकालो गाड़ी, पूरा तेरा करूँ। दोनों घुटने एक साइड तेरे रहेंगे भाई, घर वाले तेरे बोले तो जॉब पे गया था, घुटने तेरे कैसे हुए। तो लो भैया अभी हम नीचे उतरने वाले हैं, देखने वाले पानी सूखा है कि नहीं सूखा है। वैसे एक हिसाब से तो सूख जाना चाहिए, अब तक तो सूख जाता है, बाकी देखते हैं सूखा कि नहीं सूखा है, ठीक है। और बाकी ये सारे व्यू इन व्यू के ही तो पैसे हैं भाई, इन्हीं चीज़ों के पैसे हैं, बाकी चीज़ों के नहीं हैं। चलो साइड में देख, साहू देख कोई है तो नहीं, कोई नहीं आ रहा। हाँ कहाँ पे, वहाँ से रास्ता नहीं है। अरे भाई नहीं है साइकिल भी, अरे नहीं है भाई, चल देख लेते हैं। ओ भाई साहब ये लो भैया नीचे आ चुके हैं, सूखा है कि नहीं सूखा, अरे वहाँ तक सूखा है भाई, यहीं तक सूखा है बस। लंडे उधर ही चले जहाँ बोल रहा तू, अरे भाई साहब तो लो भाई इधर सूखा है नहीं, हम गाड़ी मोड़ देते, फालतू का आ गए हैं, अभी धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा। ये ऑफ रोडिंग भाई, ऑफ रोडिंग, सूखा नहीं है इधर, कहीं सूखा नहीं है, सब जगह पानी ही पानी है। हमको पहले लगा सूख गया होगा पर नहीं सूखा भाई। चलो आगे देखते हैं कहीं गाड़ी रोकेंगे, इधर ही चल रहे ठीक है। कहाँ, हाँ वो पुल है पर रोड जाने के लिए नहीं है, पैदल जा सकते हैं बस। हाँ देखते हैं, अगर गाड़ी खड़ी करने की जुगाड़ होगी तो पैदल चल लेंगे। ये भैया जी स्माइल, आ चुके हैं हम यही व्यू के लिए,
पर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी, जिधर हमें जाना था मंदिर के पास, वहाँ क्या है कि पानी अभी भरा हुआ है, अभी सूखा कुछ भी नहीं है, पानी प्रॉपर भरा है अभी। यहाँ बस हम फोटो वोटो खिंचाएंगे दो चार, उसके बाद आगे निकलेंगे। बाकी हमारा कैमरा हेलमेट ये है, सूरज देवता डूब चुके हो चुका है तुम्हारे कारण, इनके कारण तुम्हारे कारण भाई। मैंने तुम्हें बोला था कि जल्दी चल लो, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तो मैंने क्या बोला, 5 बजे चलते, तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला, काले सच्चाई बोल, सच्चाई बोलना। ये देखो सनसेट हो रहा है इधर, इधर हमारा लड़का इधर, बाकी हम इधर बैठे। अगर हम गलती से इधर गिरे नीचे जाएंगे ना भाई, डनकते हुए हम डायरेक्ट नीचे जाएंगे, समझ रहे हो। बाकी इधर का व्यू देखो, ये इस चीज़ के लिए आए थे, इस चीज़ के लिए, पर इस बंदे की वजह से नहीं हो पाया वो चीज़ें। व्यू है भाई इधर देखो, पानी के अंदर एकदम से। वो अपन अच्छा हो जाएगा वहाँ है ना, बस गाड़ी की दिक्कत ना हो आगे चल के, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी ना भाई, पवन बहुत पीटेगा। अरे गौ माता देखो यहाँ, गौ माता भी टहलने आई है। अरे तेरे को हेलमेट कैसे लेके आया हूँ मैं, गाली नहीं, तेरे को हेलमेट कैसे लेके आया हूँ भाई मैं, कौन जा, तेरे को यहाँ धक्का देता हूँ और उस नाव वाले के पास से उसको छू के वापस आ जा, जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे दूंगा, बोल पहले पैसे रख फिर चल जा। अरे बस वहाँ तक जा भाई, सच में जितने पैसे बोलेगा उतने पैसे दूंगा मैं, मेरी बात मान, भरोसा मान भाई तेरे भाई की, समझ रहा है। बाकी इधर सनसेट हो गया है, उधर हम पहले गए थे भाई जो जगह है ना वहाँ गए थे, पर वहाँ भाई बहुत सारे लोग एक इतनी सी जगह में ना उतने सारे लोग खड़े थे, हमने सोचा मज़ा नहीं आएगा तो इन्जॉय नहीं कर पाएंगे इन्जॉय, तो हमने सोचा इधर ही जाते हैं, इधर ज़्यादा सही है, तभी आगे चलते बस थोड़ा सा घूम के आएंगे। यहाँ का ना व्यू बहुत प्यारा है, ऐसा लगता है यहाँ शाम को डेली आना चाहिए। तभी हमारे बीजो लोगों को भी डालेंगे ना, हम जैसे फोटोज डालेंगे या वीडियो डालेंगे तो बीजो लोग बहुत गाली देने वाले, हमें पता है। तो ये अब सूरज देवता अभी निकलना स्टार्ट है, पता नहीं कि क्यों छुप गए थे, किससे डर गए थे, मुझसे डर गए थे, बादल से डर गए थे, बादल से डर गए थे, ये बोल रहा बादल कौन है भाई, कहाँ रहता, उसको उठा लो भाई, उससे पैसे लगाए मैंने, उठा लो यार भाई पैसे लगा दे, वो कैमरे को मेरे गोप्रो को फेंक के रखे, मेरी रोजी रोटी को अलग फेंक के रखे भाई, इनको पता नहीं कि उसे मैंने पैसे लगाए, बहुत सारे पैसे लगे मेरे। बाकी भाई सही है, यहाँ नीचे कूद के जाऊँ क्या, क्या बोलता है, हाँ ओ भाई जाता हूँ एक फ़ोटो खिंचवाता हूँ यहाँ से, कोनो मारेगा तो नहीं, कोनो कमो कमो आके मारने लगे, भैया कहाँ जा रही है, कितने जा रहे हो भैया, कहाँ के मस्त भी हो भाई, आके मज़ा आता है यहाँ, आके सुकून मिलता है। तो हमने कैमरा मैन बनाया है, 7 बजे हैं, कैमरा मैन बनाया है, 6 बजे रहे थे और इनसे साला फोटो खींचते नहीं आ रहा भाई, सच में 6:30 बजे, हाँ 6:30 बजे रहे ना, वही कह रहा हूँ मैं। चलो अब यहाँ से निकलते हैं आगे, ठीक है घर जाएंगे, कहाँ चले, हाँ घर ही चलते सोच रहे अब, ठीक हो गया हमारा ब्लॉगिंग भी होगी, फोटो शूट भी होगा, फोटो कराने आए ज़्यादातर तो हम, तो और सूरज देवता को भी देख लिया, पहले हम जब ढल गए थे फिर बादल हटा तो दिख गए हमें, समझ रहे हो। चलो भाई वहाँ से भी निकल चुके हैं, अभी अपनी वाहन के पास चलते, वाहन उठाते हैं उसके बाद आगे निकलते हैं, ठीक है भाइयो अब यहाँ से निकलते हैं। हो चुका हमारा जो ब्लॉगिंग का होना था, सारे चीज़ हो चुकी, मज़ा आ गया घूमने में, अच्छा लगा। हम सोचते हैं कि रोज़ आएँ पर पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है, इसलिए रोज़ आने का सपना हमारा सपना ही रहेगा। अभी हम सीधे चलते हैं, व्यू बहुत अच्छा, जहाँ हम आए थे तो सूरज देवता बादल के कारण छुप गए थे, पर हम जब जा रहे हैं तो निकल आए हैं, हमने थोड़ा बहुत उनके साथ फ़ोटो लिए, पर आज फ़ोटो सही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, हो सके कपड़े का कलर के कारण या कुछ और नहीं आ रही थी भाई, तो देखते हैं किसी और दिन, और कल का देखते हैं कल किधर जाते हैं, हो सके लेक भी जाएं या कहीं और जाए, देखते ही बताते कहाँ जाते हैं। भाई को चलना, भाई को जॉब पे छोड़ दें, हमको चलना हमारे घर, एकदम टाइम फ्री, जब जब मैच खेलने नहीं जाते तो मतलब ऐसा ही काम हो जाता है कि हाँ। ये देखो जंगल सफारी पे क्या बात है, निकालिए निकालिए। चलो भैया इनके लिए हम रुक गए थे, ये अंदर कहाँ ले जा रहे हैं, अच्छा सब चीज़ दिखाने ले जा रहे हैं अंकल जी, सब चीज़ देखने का क्या बोलती, सब चीज़ हर एक चीज़। अबे यार इनको अभी भी समझ नहीं, कुत्तों को अभी भी साला घूम रहे हैं भाई, कोई ना अभी अपन यहाँ से फटक, हाँ मुझे भी लगता है भाई कुछ लेगा नहीं ऐसे ही, अब वो खा पी, हाँ हाँ भाई खाना पीना नहीं मिल रहा ना उनको, हो जाएगा। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तभी चलो हम यहाँ सीधे, अब हमें कहीं नहीं रुकना है, बस गाड़ी भगाना है, जाहू की फट रही है, उसको लग रहा गाड़ी भगा रहा, कहूँ ना आके तेजी में ठोकेगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भैया बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, इतनी स्पीड में आती है कि तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं, समझ रहे हो ना। जब हम भी स्पोर्ट बाइक लेंगे तो हमें पता चलेगा ना हम कितनी स्पीड भगाते हैं, क्योंकि ये भाई भगती नहीं है, कितना ही भगा लो भगती नहीं है,
बस दिखने की है बाइक, बाकी भगती उगती नहीं है। पर भगाएंगे भाई तब गियर और पेन के भगाएंगे। अंधा मोड़ है, अंधा बहरा लूला लगड़ा सारा मोड़ यही है जो चीज है, समझ रहे हो? इसलिए रिक्शे नहीं लेने। भेड़ भाई कैसी गाड़ी चला रहे? मैं तो थोड़ी सी बातें कर रहा था गाड़ियों के बारे में। हाँ रुके देखिए कि हमें दो चार फोटो खींचा था बाइक के साथ थंबनेल बनाने के, बहुत सारी फोटो खींचा हूँ, अगर उनपे मजा नहीं आया तो हो सके बाइक वाली फोटो लगा देंगे तो लगाएंगे, मस्त संडे राइड लिखेंगे क्योंकि आज संडे है और संडे राइड हो गई, फाइनली हो गई है भाई। मैं तो बहुत दिनों से संडे को घर पे सो रहा था आराम से, पर आज हो गई। बाकी यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे ऊपर लोग हैं। हम पिछली बार यहाँ गए थे, इस बार यहाँ नहीं गए, हम आगे चले गए, तो चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना आगे आगे जगह। पिछली बार 5 महीने पहले गए थे जहाँ भी गए थे, और उसके बाद यहाँ भी एक अच्छा जगह है, ऊपर जाओ सही है, गौ माता सामने है। कोई ना, पहले यहाँ चलते, चलो चूनाभट्टी चौराहा वहीं मिलते हैं। अभी हम गन्ने के जूस के जुगाड़ पे चल दिए हैं, ये रास्ते पे मिल गए, जुगाड़ पे जा रहे थे भैया ही मिल गए। चलो गाड़ी पहले बैक करो भैया से पूछ ले पहले, यहाँ लगाते हैं ठीक है। भैया कितने रुपये गिलास? 15 भैया सही दोगे ना? पानी तो नहीं रहेगा ना, जूस रहेगा ना, क्योंकि मैं एक जगह से पिया। तो चलो भैया जूस पी लिया, सही था। मेरा तो अंकल सीधे बोले, देखो अंकल पानी मत पिलाना तो जूस ही पिलाना। अंकल बोले भैया कि मैं जूस ही पिलाऊंगा। अंकल भी अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगे, फिर हम क्या करें, सुनना पड़ा। अभी चल रहे घर, घर जाने से पहले पापा का फोन आ गया, एक दो सामान लेके जाना है, बन जाएगा तो लेके जाएंगे, नहीं बनेगा तो हो सके बाद में लेके जाएंगे। बाकी सामने का मौसम कितना प्यारा हो रहा भाई, और ऐसे लग रहा अब भी 2 मिनट पानी गिर जाएगा, अब भी गिरना चाहता है पानी। कोई ना, गिरने दो पानी को गिरने से कौन रोक सकता है भाई, पानी है। अंधेरा होने लगा है, हमें करना है यहाँ से रोड क्रॉस। चलो कार वाला कर रहा था, हम भी कर ही सकते हैं। ये लो या हो गई क्रॉस, हो गई, समझ लो मतलब कि हम घर के पास आधा पहुंच चुके हैं, आधा घर के पास, आधा और घर पे पहुंचने हैं हमें। सबसे पहले इसको छोड़ना है, उसके बाद मुझे घर जाना पड़ेगा। बस पानी ना गिरे भगवान, थोड़ा सा बस घर जाने तक की कृपा करके रखना, पानी ना गिरे। और भैया से बात करता हूँ रात की, मतलब कल का मंडे का जिम का क्या लाइन है, जिम चलना है या नहीं चलना है, जो भी बोलेगा देखते हैं। फिर जिम के पैसे के भी जुगाड़ करने पड़ेगा ना इधर उधर से। बाकी अब यहाँ है गाड़ी भग रही है कितने में, 0 में। मेरी गाड़ी कितने भगा रहा है? 0 ही भगती है, क्योंकि 0 ज़्यादा नहीं भगती भाई। और जो पीछे बैठता उसकी फटती भी एक, वाह अंकित गाड़ी चला रहा है। अब देखते हैं वॉइस स्ट्रेचिंग तो सही वॉइस स्ट्रेचिंग ऐसे होती है, जैसे अरबी का पाया चला था उसको भगाता वॉइस स्ट्रेचिंग होती है, तेज भगाता तब वॉइस स्ट्रेचिंग होती है, ऐसे में मज़ा आता है वॉइस टेस्ट करने में। क्या बात है, ब्रिज आ चुके हैं, ब्रिज किधर जाने का, साइड से चढ़ाने का भी है। छोटी सी कार है नन्नू बराबर, हाँ ये दीदी कार बड़ी है, दीदी की कार बड़ी है। ब्रिज में से व्यू सही दिखते हैं यार, ब्रिज से कहीं कहीं व्यू देख लो मस्त लगता है। और मैं तो चाहता हूँ इतनी ऊंची ब्रिज बना जिससे पूरा भोपाल दिख जाए। उस ब्रिज पे खड़ा होकर पूरा भोपाल दिखे, बन सकती है क्या? क्या बोलते हो कमेंट बताना अगर बन सकती है तो। इधर ब्रेकर है क्या? नहीं ब्रेकर नहीं, नॉर्मली है, बाकी बढ़िया है। रात हो गई है, होना स्टार्ट हो चुकी है रात। गाँव के मॉल आ चुके हैं सामने, हसीना मॉल, पर इसको उधर जाना है लोटस वोटस छोड़ने। यार ऐसे ऐसे लोगों को बैठा रहता हूँ, कहाँ भैया रुक जा जान दे। हाँ तो इसको लोटस छोड़ने जाना है, चलते फटाक लोटस छोड़ के घर आते, क्योंकि देखो मौसम बहुत गंदा हो रहा है, पानी बहुत तेज गिरने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं घर पहुँच जाऊँ तब पानी गिरे तो अच्छा है, नहीं तो हमारे कैमरा की दिक्कत ही हो जाएगी भाई, दिक्कत हो जाएगा। दो गड्ढा। चलो अब इसको छोड़ते फिर मिलते आगे। ऑफ रोडिंग करने आ चुके हैं हम लद्दाख साइड, तो अभी लद्दाख साइड आके हमारा ये लोटस आ गया, तो लोटस पे इसको लेटाना है और हमें जाना है वहाँ भोपाल साइड। ठीक है भाई को यहाँ छोड़ते हैं और चलता हूँ भोपाल। भाई मोबाइल दे दो भाई, मोबाइल लेके नहीं जाने का, चलो निकल लो। चलो भाई चलो,
ये आ जाता भाई तो काम हो जाता, घूम लेता कम से कम। अभी चलते हैं एक दुकान से एक सामान उठाना है, उसके बाद घर निकलना है ठीक है। बस यहाँ से ये क्या बात है, कार वाले से पहले मोड़ दिया मैंने। मैं देखो टाइम नहीं लगाता मुड़ने उड़ने पे, मुड़ना है तो जल्दी मुड़ जाओ। यहाँ से भी अंदर भी दबाना पड़ेगा गाड़ी ना, ये रॉन्ग साइड की बार है भाई, अंदर से रोड बने उससे आ जाओ यार। बाकी हमें तो एकदम सीधे आना है भैया जी, साइड कर लो भैया जी, हमारी फटी जा रही है। क्या बात है जी, क्या बात है, ये लो भैया पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें रोड क्रॉस करना है, बस ज़्यादा ट्रैफिक ना हो रोड क्रॉस करने के लिए। अरे बाबा मेरे को ट्रैफिक नहीं मगता, समझता कि नहीं समझता, अरे रुको ट्रैफिक नहीं मगता। चलो प्यास फिर साथ होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आसिमा आ चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं कि इसी के साथ वीडियो का एंड कर दें। अगर आप लोग इन वीडियो के यहाँ तक देखा होगा, जरूर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही वीडियो आप मिलती रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि डेली निकला करूँ कहीं ना कहीं शूट करने, मैचेस तो छोड़ो होता नहीं है, तब ऐसे ही व्लॉगिंग करने निकला करूँ तो निकलेंगे। बस आप लोग कमेंट करते रहो, व्यूज आते रहे, मोटिवेट होता रहूँ मैं तो भाई मैं सब करूँगा, समझ रहे हो ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना।